Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Styler SolidWorks tutorial series. So friends, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस मॉडल की. इस मॉडल को हम बनाएंगे रिवॉल्व कमांड से, जिसकी डायमेंशंस हमारे पास इस तरह से दे रखी है. सो आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है. सो जो भी व्यूअर्स ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे. हम रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं. ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ये लेंथ आएगी. यहां से इसको ड्रॉ करने के बाद यहां से हम डायमेंशन चेक कर लेंगे. हमारे पास इस तरह से ये लेंथ आ रही है, ठीक है. तो यहां से हमारे पास क्या डिस्टेंस दे रखा है, देखो सेंटर से हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है 32.5 का. तो हाफ डिस्टेंस लेकर चलेंगे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमें दे रखा है 32.5. और देन उसके बाद हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है 60. उसके बाद हमारे पास ये वाला जो टेपर डिस्टेंस है हमारे पास कितना दे रखा है, 67.5. सो यहां से हम इस डायमेंशन को भी ले लेंगे 67.5. नाउ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, सेंटर से यहां तक का 130. सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 130. क्लियर है ये चीज. और टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना दे रखा है, 538.03. सो इसका हाफ कर देंगे हम यहां से, (538.03)/2. सो यहां से ये लेंथ आ जाएगी आपके पास. नो, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, 67.5. सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, 30. तो ये हमारे पास एक 30 का गैप आ जाएगा. नाउ यहां से हमारे पास एक लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 227.46. एक लेंथ क्रिएट करेंगे यहां से सेंटर लाइन तक, ठीक है. और यहां से आपको पता ही है डिस्टेंस कितना है, सो इसको यहां से पैरेलल कर लेंगे. तो यहां से ये कोइंसिडेंट हो जाएगा सेंटर लाइन से. इसको हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे और एंगल लेके चलेंगे. पहले तो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, 227.46. यहां से डिस्टेंस आ जाएगा 227.46, ये चीज. और देन उसके बाद मिरर कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद एंगल देखेंगे. एंगल कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, 130 का. 130 का एंगल ले लेंगे. नाउ हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे ऑफसेट दे रखे स्केच का कितना, 12 mm. तो आप इन दोनों को ऑफसेट कर लीजिए, सिलेक्ट चेन, ये दोनों रिवर्स साइड ऑफसेट हो जाएंगे. क्लियर है. नाउ अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिलेट लगी हुई है, तो आर्क ले लेंगे हम. या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको ज्वाइन कर देंगे. और यहां से हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे पैरामेट्रिक का, जो तीनों के साथ टेंजेंट होगा. तो अगर यहां से हम इसका रेडियस चेक करें, तो देखो 12 आ रहा है, और रेडियस क्या हो जाएगा, 6.
तो यहां से इसको भी रिमूव कर देंगे ये चीज। नाउ ये जो हमारे पास आ रहा है इसको हम मिरर कर देंगे, ये एक आर्क जो आ रही है हमारे पास सेंटर लाइन से इसको मिरर कर देंगे और यहां से जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको हम ट्रिम कर देते हैं। तो ये चीज हमारे पास कंप्लीट हो गई। नाउ इसके बाद अब हमारे पास क्या आएगा, ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम। सो लाइन और इसको यहां से हम यहां तक ज्वाइन कर देते हैं, अगेन एक लाइन लेंगे और यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे। सो दीज लाइन्स मस्ट बी स्ट्रेट, सो मेक श्योर कि ये स्ट्रेट ही हो। ओके नाउ हमारे पास क्या फिलेट आ रही है 30 की और यहां पे भी 30 की आ रही है। सो यहां पे फिलेट अप्लाई कर लेंगे 30, ये एज आ रही है, यहां पे फिलेट अप्लाई कर लेंगे और इन दोनों के बीच में भी फिलेट अप्लाई कर लेंगे 30 की। ठीक है, सो ये आपके पास लाइन रिमूव हो चुकी है, यहां से आप क्या कर लोगे एक्सटेंड कर लोगे। सो यहां पे भी फिलेट अप्लाई कर लोगे 30 की ये चीज और इन दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर दो। क्लियर है ये चीज। नाउ अब क्या करेंगे, यहां पे भी फिलेट दे रखी है 10 mm की, तो ये भी एक फिलेट लगा लेंगे 10 mm की इस एज पे। ओके कर देंगे और इसको हाफ को हम यहां पे क्या कर देंगे मिरर कर देंगे, यहां से ये हाफ स्केच सारा मिरर हो जाएगा, मिरर हो जाएगा अबाउट दिस सेंटर लाइन। तो ये स्केच रह गया, सॉरी यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे, ये भी स्केच रह गया। नो अभी सारा कंप्लीट है, तो इसको ओके कर देंगे और सेंटर से हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहां से सारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। यहां पे भी फिलेट आ रही है, तो यहां पे कितनी फिलेट आ रही है 25 की, तो यहां पे फिलेट लगा लेंगे हम 25 mm की इस एज पे और इस एज पे। ओके कर देंगे, तो ये सारा स्केच जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ यहां पे हम क्या करेंगे, स्केच क्लोज एंड रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व ये सारा स्केच होगा। अब सेंटर लाइन यहां पे नहीं दे रखी है, तो सेंटर लाइन हमें बनानी पड़ेगी, एडिट कर देंगे और हमारे पास सेंटर लाइन क्या रहेगी ये चीज। सो ओरिजिन से हमने सेंटर लाइन क्रिएट कर ली है। नाउ स्केच रिवॉल्व और हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, तो इसके अराउंड अराउंड ये सारा रिवॉल्व हो जाएगा। सो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो आप, यहाँ तो जो आपने स्केच बनाया था ठीक है, इसको चाहे तो आप डिलीट कर दो, और यहाँ पे जो आपने स्केच बनाया है इसमें चाहे तो आप फिलेट अभी लगा सकते हो, और अगर आपने फिलेट नहीं लगानी तो बाद में भी आप फिलेट लगा सकते हो ठीक है, बिकॉज हमारे पास स्केच में भी फिलेट की ऑप्शन है और 3D में भी फिलेट की ऑप्शन होती है, तो यहां से आप हर एक एज को जो फिलेट लगा सकते हो। क्लियर है, तो यहां से आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। एक बार फिर रिवॉल्व कर लेते हैं, सेंटर लाइन हमारे पास ये है और इस तरह से ये सारा रिवॉल्व हो जाएगा। मटेरियल डिफाइन करना चाहते हैं, मटेरियल डिफाइन कर सकते हो, जो भी डिफॉल्ट आ रहा है उसको डिफॉल्ट यही मटेरियल रख लेते हैं। सो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। क्लियर है, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ड्राइंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। ओके सो फ्रेंड्स वीडियो यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।